काफी दिनों से पवन सिंह के फैंस को इंतजार था उनकी फिल्म क्रैक फाइटर के ट्रेलर का, तो भाई वो ट्रेलर रिलीज हो चुका है और अब आज हम बात करने वाले हैं उसी ट्रेलर के बारे में। जैसे ही फिल्म का ट्रेलर स्टार्ट होता है वैसे ही आप समझ जाएंगे कि ये पवन सिंह की फिल्म है। वही एक्शन के मामले में पवन सिंह महारत हासिल कर चुके हैं और एक्शन की फिल्म में पवन सिंह की लोगों को देखना भी अच्छा लगता है। हाँ, ये बात और है कि लगातार एक्शन 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 देखकर भी उनके फैंस इससे उबते नहीं है, तभी तो पवन सिंह अलग जॉनर की फिल्में भी नहीं करते। तो चलिए बात कर लेते हैं फिल्म के म्यूजिक की। हम एक्शन से पहले म्यूजिक की इसलिए बात करेंगे क्योंकि फिल्म में जितना ज्यादा रोल एक्शन का होता है उतना ही रोल म्यूजिक का भी होता है। भोजपुरी फिल्मों में म्यूजिक बहुत ही अहम किरदार निभाता है। अगर जिस फिल्म का म्यूजिक हिट है तो समझ जाइए फिल्म अपने आप ही हिट है। तो भाई पवन सिंह की इस फिल्म का म्यूजिक काफी बेहतरीन है, जैसे कि एज यूजुअल उनकी फिल्मों में होता है। लेकिन चांदनी सिंह वाला स्पेशल नंबर आगे चल के बड़ा ही धमाल मचाने वाला है। यह नंबर आपको रात दिया की याद जरूर दिला देगा। वैसे इस गाने में चांदनी सिंह काफी खूबसूरत नजर आ रही हैं और कहर भी ढा रही हैं। अब बात करते हैं फिल्म की दोनों हीरोइनों की। भाई दोनों हीरोइनें भी काफी अच्छी लग रही हैं, लेकिन पवन सिंह और निधि झा की जोड़ी आपको सत्या में लूलिया वाले गाने की याद बार बार दिलाएगा। जब भी इन दोनों पर फिल्म में कोई भी गाना फिल्माया गया है, इन दोनों की जोड़ी सत्या फिल्म की लूलिया गाने की बार बार याद दिलाते हैं। और अगर ये फिल्म सुपरहिट होती है तो आपको बता दें कि इस फिल्म में अगर किसी को सबसे ज्यादा फायदा होगा तो वो होंगी निधि झा, क्योंकि निधि झा की अब तक के करियर में ये सबसे बड़ी फिल्म है। अब बात करते हैं संचिता बैनर्जी की। तो भाई वो जितनी खूबसूरत हैं उतनी ही खूबसूरती से उन्हें पर्दे पर उकेरा भी गया है। जी हाँ, इस फिल्म में वो सेकेंड हीरोइन है, लेकिन कहीं ना कहीं वो निधि झा को मात देती नजर आ जाती है। भले ही छोटा रोल है तो क्या, लेकिन दमदार एक्टिंग है। अब बात करते हैं फिल्म के विलेन की। प्रदीप रावल हैं इस फिल्म के मेन विलेन और इस फिल्म में पवन सिंह के अपोजिट इससे बेहतर विलेन कोई हो भी नहीं सकता था। आपको बता दें कि फिल्म में दमदार एक्टिंग, दमदार डायलॉग डिलीवरी अच्छी लगती है। अब बात करते हैं फिल्म की स्टोरी की। तो भाई जिस तरह से ट्रेलर में दिखाया गया है उसे देखकर ये लगता है कि फिल्म काफी सीरियस इशू पे बनाई गई है। भले ही फिल्म एक एक्शन मूवी है, लेकिन अपने मुद्दे को लेकर अंत तक बढ़ती है और वो किसी भी फिल्म को सफल बनाने के लिए सबसे बेहतरीन चीज है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब बात कर लेते हैं पवन सिंह की। तो पवन सिंह ट्रेलर के स्टार्ट से लेकर ट्रेलर के अंत तक गजब ढा रहे हैं। बात करें उनके लुक की तो सत्या वाले लुक की बखूबी याद दिला रहे हैं। आपको ये बता दें कि अगर फिल्म क्रैक फाइटर की डायलॉग डिलीवरी देखेंगे तो आपको लगेगा कि आप सत्या पार्ट टू देख रहे हैं। क्या जो भी है, हमें यकीन है कि भोजपुरी दर्शकों को यानी कि पवन सिंह के फैंस को ये फिल्म काफी अच्छी लगेगी, क्योंकि फिल्म एक बहुत ही बेहतरीन मुद्दे पर बनाई गई है। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।